अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअली कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं बनाने वाली थी पनीर, ये दूध रखा हुआ था, कल का रखा हुआ था दूध, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए। तो एक मैंने नींबू इसमें निचोड़ दिया अच्छे से दूध को बॉईल करके, 10-12 मिनट हो गए मुझे इसमें चलाते चलाते, ये तो कुछ बना ही नहीं। सच में इसमें कुछ नहीं बना है पनीर, मुझे लगा क्वांटिटी कम है शायद लेमन की, मैंने एक और उसका रस इसमें डाल दिया, अब इसमें 2 लेमन के रस डल चुके हैं और मुझे इसे 20-22 मिनट हो गया, कुछ पनीर बन ही नहीं रहा है। मैं थक गई थे चलाते चलाते, बीरबल की खिचड़ी हो गई, बाहुबली दूध फट ही नहीं रहा है, फटने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर मुझे शक हुआ कहीं भी चाइनीज़ नींबू तो नहीं थे नकली। सच में गुस्सा आ गया मुझे यार, हद हो गई, मैं मतलब इतना थक गई। फिर मैंने इसे छान लिया, मैंने कहा इसे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ, देखो क्या एक्सपीरियंस रहा, इतना ख़राब 1 लीटर दूध का मैंने नाश कर दिया। ये दूध मैं फेंक तो ऐसे नहीं सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना दूध को ऐसे फेंकना। तो मैंने सोचा चलो फिर कुछ और ट्राई करती हूँ, मैंने फिर से चढ़ा दिया इस दूध को गैस पे, और मेरे पास दही रखी हुई थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा दही डाल के देखती हूँ। और आप यकीन नहीं करोगे, विद इन अ मिनट ये फट गया। मैं तो टेंशन दूर हो गई, जो मुझे गुस्सा चढ़ गया था ना, मैंने कहा मैं कौन सी घड़ी में ये पनीर बनाने लगी थी। सच में अब आज के बाद मैं तो कान पकड़ती हूँ, नींबू से तो नहीं बनाऊँगी, नींबू से बिल्कुल नहीं बनाऊँगी पनीर। आप पनीर कैसे बनाते हो प्लीज़ बताइए मुझे। और इस तरह से मैंने अपना दूध ख़राब होने से बचा लिया, मेरा ख़राब एक्सपीरियंस सोचो अच्छे में बदल गया, मज़ा आ गया, बहुत सारी पनीर मैंने बना ली। और मैं इसे ऐसे ही रखूँगी, प्रेस करके नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे इसे सैंडविच बनाने हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइए मुझे। अल्लाह हाफिज़।